हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जिंदगी गुजारी बापर्दा, परहेजगारी, दरवेशी, सादगी, सारी जिंदगी किसी का शिकवा नहीं किया मौला अली ने, बल्कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मौलाना जफरुद्दीन बिहारी, उन्होंने एक अजीब बात लिखी है। कहते हैं हुजूर मेराज पे गए तो वहां से एक जुब्बा लाए, एक कमरे में दाखिल हुए, जन्नत के कमरे में संदूक खोला सरकार ने, एक जुब्बा निकला, तो कहे अल्लाह मैं ले जाऊं, तो रब करीम ने फरमाया भी मुझे पता है तू लेके जाएगा पर पहनेगा नहीं, किसी ना किसी गुलाम को दे देगा। कहा मौला वो तो फिर तेरा फजल है। तो रब करीम ने फरमाया महबूब उसे देना जो मेरे राज तक पहुंच जाए, उसको देना जो मेरे, उसको देना जो मेरे राज तक पहुंचे। हुजूर जुब्बा लेके आए। अल्लामा बिहारी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, फरमाया जुब्बा बड़ी बरकत वाला है, इसे पहनकर बड़ी बरकत मिलेगी, अगर मैं तुझे दे दूं ये जुब्बा, अगर तुझे दे दूं तू क्या करेगा? तो हजरत अबू बकर कहने लगे हुजूर सारी दुनिया में सच फैला दूंगा। हुजूर ने फरमाया नहीं तो अल्लाह के राज तक नहीं पहुंचा। हजरत उमर को बुलाया, कहा फारूक आजम अगर आपको दे दूं तो? कहा हुजूर अदल से भर दूंगा सारी कायनात। फरमाया बात तेरी ठीक है पर राजे इलाही तक नहीं पहुंचा। उस्मान अगर तुम्हें दूं तो? जनाबे उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला नौर्स करने लगे हुजूर अगर मुझे मिला तो मैं हया की छांव कर दूंगा, हर जवान हर बच्ची के लिए हया के फैसले करूंगा अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से। हुजूर ने फरमाया बात तेरी बड़ी खूब है पर तू मुराद तक नहीं पहुंचा। मेरे रसूल ने मौला अली को बुलाया, पास बिठाया, फरमाया अली अगर ये जुब्बा तुझे दूं तो क्या करेगा? हजरत अली ने आंख खोल के हुजूर का चेहरा देखा, अर्ज करने लगे महबूबा अगर मुझे मिल गया तो मैं अल्लाह की मखलूक की पर्दा पोशी करूंगा, मैं रब की मखलूक की मैं पर्दे डालूंगा मखलूक के ऐबों पर, मैं छुपाऊंगा इस जुब्बे की बरकत से। हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाया तू रब के राज तक पहुंचा है, जुब्बा तेरा ही बनता है, तू पहुंचा है अल्लाह के राज तक। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लोग आए, कहा हुजूर अली ने सख्ती की है हम पर, शेरे खुदा ने सख्ती की है, बाद जंग के मौके पर कहीं सिपा सालार बने होंगे या जो मामला था सख्ती की है। कहते हुजूर की बारगाह में लफ्ज कहे तो नबी पाक नाराज हो गए, फरमाया तुम्हें पता है अली कौन है? हुजूर कौन है? फरमाया अली मिन्नी वाना मिनल अली, अली मुझसे है मैं अली में से हूं, अली मुझसे है और मैं अली में से हूं, तुम्हें उसका पता है? मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यार, अब यहां अली अली कहने वाले एक तो वो तबका है मलंगों का जिनका मैंने रोना शुरू में रोया है और हम रोते ही रहते हैं, अल्लाह करे इन लोगों का सफाया ही हो जाए, आमीन तो कह दें, और एक वो तबका है अल्लाह खैर करे जो हजरत अली का नाम लेते हैं तो बाकी तीन को पूछते ही नहीं, पूछते ही नहीं। हजरत अली बैठे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए तो देख के मुस्कुराने लगे, तो मौला अली शेरे खुदा कहने लगे अबू बकर हंसते क्यों हो? कहा हुजूर ने फरमाया था कयामत के दिन अली जन्नत की टिकटें तकसीम करेगा। कहने लगे लगता है हुजूर ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। तो अबू बकर कहने लगे पूरी बात क्या है? फरमाने लगे मुझे नबी पाक ने कहा था अली जन्नत की टिकट उसको देना जो अबू बकर से मोहब्बत करे, उसको टिकट देनी है जो अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करे, उसको टिकट देना जन्नत की। इन लोगों का प्यार, इनकी वफा, और फिर अजीब लोग चक्कर है, लोग कहते हैं हजरत अली के हक पे कब्जा हो गया, अली को इतना कमजोर ना समझो, शेरे खुदा को इतना, अगर हुसैन इब्ने अली नहीं कब्जा करने देते यजीद जैसे जालिम को तो अली अल मुर्तजा शेरे खुदा के सामने को टेक सकता है? हजरत अली शेरे खुदा मुशीर रहे जनाबे सिद्दीक अकबर के, वफादार रहे हजरत फारूक आजम के, और फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मुहाफिज रहे हजरत उस्माने गनी के, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। और सुनो एक अजीब बात लिखी है बुजुर्गों ने, कहते हैं बदर या उहद में एक जंग में ऐसा भी हुआ कि कपड़ा नहीं मिलता था झंडा बनाने के लिए, तो हजरत आयशा की एक पुरानी चादर थी उसका झंडा बनाया गया, तो झंडा सबसे पहले मौला अली शेरे खुदा ने उठाया। हजरत आयशा सिद्दीका के साथ प्यार मौला अली शेरे खुदा रदी अल्लाह ताला ने, यहां तो लोग ना जाने कौन सी खिदमत कर रहे हैं, अगर हुजूर के करीब रहने वाले पास बैठने वालों में आपस में इत्तेफाक नहीं था तो आज मुसलमानों में कैसे पैदा होगा? तुमने तो दीन का सारा रंग ही गदला करके रख दिया।
तुमने तो वहां बुग्ज पैदा कर दिया जहां से लोगों को इत्तफाक का दर्स मिलना था, वफा का सबक जहां से लोगों ने पढ़ना था, ने वही हालात खराब कर दिए। मौलाए कायनात शेर खुदा करम अल्लाह तआला वजुल करीम सहाबा के मजमे में बैठे थे, यारों के बीच बात हो रही थी। अब हजरत अली की तालीम सुन ले, हजरत अली की तालीमात क्या है। बैठे थे, गुफ्तगू छिड़ गई हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की। हर आदमी ने कहा मुझे फलां चीज पसंद है, फलां चीज पसंद है, फलां चीज। तो पूछा अली आपको क्या पसंद है? तो हजरत अली कहने लगे तीन चीजें पसंद है। कहा कौन कौन सी? फरमाया एक मेरा दिल करता है कि रोजा गर्मी का हो। हुजूर फरमाते हैं तुम्हें पता चल जाए रमजान में बरकत क्या है तो तुम कहो सारा साल ही रोजे होने चाहिए। ये इतनी फजीलत की बात। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं मुझे गर्मियों का रोजा पसंद है। और फिर हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं मुझे पसंद ये है कि मैं अकेला खाना ना खाऊं, जब भी खाऊं मेरे साथ कोई मेहमान बैठा हो, ये मेरी पसंद है। हजरत अली कहते हैं मेरी तीसरी पसंद यह है कि मेरे मुकाबले में जो दुश्मन आए वो कमजोर नहीं होना चाहिए, वो कमजोर नहीं, वो तगड़ा ताकतवर दुश्मन आए। फरमाते मुझे मजा तो आए ना रब के रस्ते में जिहाद करने का। तगड़ा दुश्मन आज मुसलमानों का बड़ा दुश्मन पैदा हुआ है और सरबरा है इस्लाम के सारे दुश्मनों का, लेकिन मुसलमान उससे डरते हैं, उससे ताल्लुक बनाना चाहते हैं, उसके करीब जाना चाहते हैं। हजरत अली ने पैगाम दिया मजा ही तब आता है जब दुश्मन दलेर हो, मजा ही तब आता है जब दुश्मन तगड़ा हो, लुत्फ ही तब आता है जब तुम्हारा मुकाबला सख्त आदमी के साथ हो।